मैं हूं निशा एंड वेलकम बैक टू निशास पैशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2.5 से 3 साल के बच्चों के लिए कौन सा साइकिल सही है, बायसाइकिल या फिर ट्राई साइकिल। तो मैं इसलिए आज इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है, तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आप में से जो पेरेंट्स बच्चों के लिए साइकिल लेना चाहते हैं आपको एक आइडिया मिल जाएंगे कि किस तरह के साइकिल आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरी बेटी सुमायरा अभी स्कूल जा रही है एंड दूसरे बच्चों को साइकिल लेके स्कूल जाते हुए देखकर ना सुमायरा भी साइकिल लेके स्कूल जाना चाहती है। तो स्कूल से आते ही सुमायरा एवरीडे हम लोगों को बोल रही है कि उसको ना एक साइकिल चाहिए। तो फिर हमने सोचा क्यों ना सुमायरा को एक साइकिल दिला देते हैं। तो इसलिए हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया है कि साइकिल तो देना है बट किस तरह के साइकिल सुमायरा के लिए हमें लेना है। इस उम्र में बाईसाइकिल दूं या फिर ट्राई साइकिल कौन सा सही रहेगा वो हमें नहीं पता था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं, साइकिल के शॉप में चलते हैं एंड वहां पे जाके देखते हैं समायरा के लिए कौन सा साइकिल सही है। तो पहले ना हम लोगों ने बाईसाइकिल परचेस करने का डिसीजन लिया था क्योंकि सारे लोग बोल रहे थे कि बाईसाइकिल ही बेस्ट है क्योंकि आगे जाके काम आएंगे और ट्राई साइकिल तो ज़्यादा दिन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमने डिसाइड किया चलो एक बाईसाइकिल परचेस करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत खुशी खुशी साइकिल परचेस करने के लिए गए थे शॉप पे एंड वहाँ पे बहुत ही क्यूट क्यूट से साइकिल थे। शॉप देखकर तो बहुत अच्छा लगा, तो हमने डिसाइड किया कि अभी यहीं से हम लोग साइकिल लेंगे। तो फिर एक क्यूट सा साइकिल उठा के सुमायरा के लिए दिया है हम लोगों ने और फिर सुमायरा को उस साइकिल के ऊपर हम लोगों ने बिठाया। फिर हमने देखा कि साइकिल जो है ना, बाईसाइकिल जो है वो सुमायरा के एज के लिए अभी सही नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने फिर देखा कि सुमायरा के लिए वो साइकिल थोड़ा बड़ा है एंड सही नहीं है क्योंकि सुमायरा उसमें कंफर्टेबल नहीं थी। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अभी बाईसाइकिल नहीं लेते हैं, अभी हम लोग दूसरा कुछ देखेंगे। तो इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इस एज ग्रुप के लिए 2.5 से 3 साल के जो एज ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप के लिए हमें कौन सा साइकिल लेना है। तो बाईसाइकिल इस एज ग्रुप के लिए सही नहीं है बट हम बाद में बाईसाइकिल ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो। अभी बात करते हैं इस उम्र के बच्चों के लिए साइकिल लेना ही क्यों है। फर्स्ट थिंग है, बच्चे साइकिल राइड एंजॉय करते हैं। सुमायरा ना खुद से साइकिल मांग रही है तो इसलिए हम लोग सुमायरा को साइकिल देना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग है बच्चों का एंजॉयमेंट, बच्चे ना साइकिल राइड एंजॉय करते हैं। सो बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए हम साइकिल परचेस कर सकते हैं, साइकिल या फिर बाईसाइकिल या फिर ट्राईसाइकिल परचेस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है, बच्चे जब साइकिल में बैठ के पैडल करते हैं ना, पैडल करते करते बच्चों के पैर के मसल में स्ट्रेंथ आ जाएंगे। तीसरी बात है, बच्चे जब हैंडल पकड़ के देखते हुए हैंडल को स्ट्रेट रख के पैडल करेंगे ना, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होंगे। फोर्थ बात यह है कि मोटर स्किल डेवलप होंगे एंड नेक्स्ट है बच्चों में इंडिपेंडेंस आएंगे। क्योंकि देखिए, पैडल करते करते हैंडल पकड़ के साइकिल को आगे ले जाते हुए ना, बच्चे इंडिपेंडेंस फील करेंगे। साइकिल चलाते हुए ना बच्चे कॉन्फिडेंट बन जाते हैं क्योंकि साइकिल चलाना उन बच्चों को आता है, ये सोच के ही बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए हम किस तरह के साइकिल ले सकते हैं। तो देखिए, साइकिल परचेस करने के लिए ना हमें सबसे पहले देखना होगा साइकिल की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ताकि साइकिल जो है वो लाइट वेट ना हो। थोड़ा सा हैवी वेट साइकिल हमें लेना है ताकि वो साइकिल इजीली पलट ना सके। दूसरी बात, हमें ये देखना चाहिए कि बच्चों के लिए जो साइकिल हम ले रहे हैं ना, उसका जो सीट है ना वो लो हाइट में हो ताकि बच्चे खुद से सीट के ऊपर बैठ सके एंड सीट में बैठ के बच्चों का जो लेग है ना वो ग्राउंड में टच कर सके। तो देखिए, ट्राई साइकिल में सीट बहुत लो होता है, वो एक क्राइटेरिया मेंटेन हो गया है क्योंकि हमें ना लो सीट वाला साइकिल चाहिए था जहाँ पे सुमायरा खुद से बैठ सकती है एंड खुद से उतर सकती है। दूसरी बात है, सुमायरा का जो लेग है ना वो हमेशा ग्राउंड में टच हो सके, ऐसा हाइट हमें चाहिए था। एंड तीसरी बात, हमें ये चाहिए था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है पेरेंटल कंट्रोल वाला साइकिल। जब हम पहली बार बच्चों के लिए साइकिल लेंगे ना, तो बच्चों के लिए हैंडल्स पकड़ के, हैंडल को स्ट्रेट रख के पैडल करके साइकिल को आगे ले जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हम पेरेंटल कंट्रोल वाला ट्राई साइकिल परचेस करेंगे ना, तो हम खुद से बच्चों को पुश कर सकते हैं, हैंडल कंट्रोल कर सकते हैं एंड बच्चों को राइड का मज़ा दे सकते हैं।
बट ट्राईसाइकिल देने की सही एज क्या है? साइकिल देने की कोई सही एज नहीं होती है कि 2.5 साल में देना है या फिर 3 साल में देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट कुछ चीजें हमें देखना चाहिए बच्चों में है कि नहीं। सबसे पहली बात यह है कि बच्चे ना अगर कॉन्फिडेंटली वर्क कर सकते हैं तो आप बच्चों को साइकिल दे सकते हैं। कॉन्फिडेंटली वर्क करना मतलब ऐसे कॉन्फिडेंटली खुद से चलना किसी सपोर्ट के बिना, एंड किसी अगर सामने हर्डल है तो उसको पार करके जाना। अगर कुछ गिरा हुआ है या फिर कुछ सामने कुछ है तो उसको पार करके, उसको क्रॉस करके अगर बच्चे खुद से जा सकते हैं तो आप बच्चों को ट्राईसाइकिल दे सकते हैं। एंड दूसरी बात है, बच्चे अगर खुद से सीट में बैठ सकते हैं या फिर खुद से हैंडल को पकड़ सकते हैं तो उस टाइम में भी आप बच्चों को ट्राईसाइकिल दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात है कि मेक श्योर कीजिए उस साइकिल में ना हमेशा पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, ताकि आप बच्चों को खुद से पकड़ के हैंडल स्ट्रेट करके किसी जगह पे लेके जा सकते हैं। एज अ स्ट्रोलर भी काम करता है, और उस टाइप के साइकिल में ना एक लेग रेस्ट भी होता है कि अगर बच्चे थक जाता है पैडल करते करते तो वो ना अपना लेग उस लेग रेस्ट में रख सकता है। तो मेरे हिसाब से 2.5 से 3 साल के एज ग्रुप जो है ना वो ठीक ठाक है, आप उस एज ग्रुप में ट्राई साइकिल दे सकते हैं, बट बाईसाइकिल नहीं। क्योंकि हमने नोटिस किया है कि बाईसाइकिल ना थोड़ा बड़े बच्चों के लिए है। आई थिंक 4 साल के बाद ही आप बाईसाइकिल दे सकते हैं। तो अगर हम बच्चों को पहले ट्राई साइकिल देंगे, वहाँ पे ना ट्राई साइकिल में बच्चे साइकिल का जो आदत है, मतलब हैंडल पकड़ के पैडल करके आगे लेके जाना, ये जो हैबिट है ना ये बच्चों में हो जाएंगे। एंड उसके बाद अगर जब आप बाईसाइकिल देना तो ईजिली बच्चे बाईसाइकिल खुद से चला पाएंगे। तो स्टार्टिंग में बाईसाइकिल बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे खुद से चला नहीं पाएंगे। कंट्रोल करके, हैंडल सीधा करके, सब कुछ एक साथ मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई थिंक ट्राई साइकिल के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं एंड आगे चल के हम बच्चों को बाईसाइकिल दे सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस है एंड मैंने जो रियलाइज किया है आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है सो प्लीज दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।